सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड इसमें आपको प्रो कबड्डी को लेके पांच बड़ी अपडेट्स बताने वाला हूँ। एंड आज भी प्रो कबड्डी को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के आई है। तो दोस्तों, वीडियो ना रहा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, सबसे पहले अपडेट सिद्धार्थ देसाई को लेके आया है। दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई तेलुगु टाइटंस का कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे कल ही पता चला, यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई का एक फोटो लीक हुआ है जो यहाँ पे ऋतुराज कोरावी ने अपने सोशल हैंडल्स पर शेयर किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोटो में ऋतुराज कोरावी, सिद्धार्थ देसाई एंड साथ ही साथ विकास कुंडला हमें देखने को मिल जा रहे। तो गाइस, यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई भी अपना प्रैक्टिस सीजन 8 के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे दूसरा अपडेट यू मुंबा के एक्टिव वियर को लेके आया है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे पहली बार सुनो कि यहाँ पे एक्टिव वियर होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट में बता दिया, लास्ट या फिर दो तीन पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि यहाँ पे यू मुंबा का किस हिसाब से ट्रेनिंग जर्सी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे यू मुंबा का सीजन 8 के लिए एक्टिव वियर आपको पता होगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, सीजन 8 के लिए यू मुंबा की टीम ये एक्टिव वियर पहनने वाली है। अब यहाँ पे आपको कितना इसके बारे में पता है एक बार आप कॉमेंट करके जो बताएगा। मुझे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो चलो बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो गाइस, यहां पे तीसरा अपडेट दबंग दिल्ली को लेके आया है। जी हां दोस्तों, दबंग दिल्ली के बड़े प्लेयर्स यहां पे अराइव हो चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन जल्दी करने वाले। यहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक नवीन कुमार, अजय ठाकुर, जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, जीवा कुमार, मनजीत चिल्लर एंड विजय, ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर्स यहां पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और भी सारे प्लेयर्स ज्वाइन किए, लेकिन यहां पे दबंग दिल्ली ने बड़े बड़े प्लेयर्स का यहां पे मेंशन किया एंड सभी प्लेयर्स यहां पे बहुत ही अपना प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट कर देने वाले। एंड यहाँ पे दबंग दिल्ली का भी प्रैक्टिस कैंप बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाने वाला है। तो चलो बात करते हैं चौथे बड़ी अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे चौथा बड़ा अपडेट दबंग दिल्ली के प्रैक्टिस कैंप को लेके आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दबंग दिल्ली के प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही अपना प्री सीजन प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट कर देने वाले। लेकिन जो प्रैक्टिस कैंप है वो यहाँ पे कहाँ लगने वाला है, तो गाइस इस पर भी अपडेट निकल के आ चुका है। जो दबंग दिल्ली की टीम है वो यहाँ पे अपना प्री सीजन प्रैक्टिस कैंप यहाँ पे पंचकुला में करने वाली है एंड दबंग दिल्ली का प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे पंचकुला में लगने वाला है। तो चलो बात करते हैं पांचवें अपडेट की। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच को लेकर कितना क्रेज रहता है, कितनी बड़ी राइवलरी है। एंड यहाँ पे एल क्लासिको भी यहाँ पे क्रिकेट का माना जाता है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलरेडी कबड्डी में भी हो चुका है। जब कबड्डी में हो या फिर क्रिकेट में हो, यहाँ पे जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जो व्यूअर्स होते हैं उनका क्रेज बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मैचेस है कबड्डी में बड़े बड़े टूर्नामेंट में 7 बार आमना सामना हो चुका है। एंड क्रिकेट की तरह इस बार भी रिजल्ट है, यहाँ पे इंडिया की टीम 7 बार जीती है एंड पाकिस्तान की टीम 1 बार नहीं जीती है। एंड यहाँ पे हम भी यही मतलब कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत ही जल्दी ऐसा कोई टूर्नामेंट हो जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान का मुकाबला फिर से हो। बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान की टीम बड़े टूर्नामेंट में 2014 यानी कि 2014 में इचियोन एशियन गेम्स करके कोई टूर्नामेंट में भिड़ी थी, इसके बाद से अभी तक 7 साल हो गए, अभी तक इंडिया पाकिस्तान का कबड्डी में कोई ऐसा मैच नहीं हुआ है बड़े टूर्नामेंट में। तो होप करते हैं कि कबड्डी वर्ल्ड कप में आप फिर से ये दोनों टीम भिड़े। तो गाइस, शो को ही एंड करते हैं। इस शो में आपको कौन सा अपडेट सबसे बड़ा लगा एक बार आप कमेंट करके जो बताएगा। एंड वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए, इस शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।